वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑल इन वन चैनल। आज हम गाइस बात करेंगे कुछ अनदर फंक्शंस के बारे में। पहले हमने सेबेस्टियर फंक्शंस देखे थे, आज हम बात करेंगे कॉन्कैटिनेशन फंक्शन का। ओके, कॉन्कैटिनेशन फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं और उसका यूज़ क्या होता है सास के अंदर एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इन प्रोग्राम। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द डेटा सेट नेम। सो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यूज़ द कीवर्ड डेटा। सपोज आई हैव मेंशन हियर द डेटा सेट नेम दैट इज जॉन। ओके, सो नाउ आई एम गिविंग सम वेरिएबल इनपुट ए। सपोज आई हैव गिवन हियर ए, okay, so guys here I have given three variables a, b and c. okay, as I have already mentioned here the dollar sign, so it means that it contain the string. okay, so now apply the concatenation function. so before cards ya data line use karne se pehle aap concatenation function yahan pe apply kar sakte ho. so concat ye mera ek variable ho gaya जिसमें मैं लगा रही हूँ ए में। कॉन्कैटिनेशन का जो सिंबल होता है गाइस शिफ्ट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्कैटिनेशन बी एंड सी। सो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है आपका थ्री वेरिएबल्स जो आपने लिए थे ए बी सी, तो तीनों में मैंने कॉन्कैटिनेशन लगा दिया है एंड एंड ऑफ द स्टेटमेंट सेमी कॉलन ओवर हियर। नेक्स्ट आप डेटा लाइंस लिख लीजिए एज वेल, अगर कार्ड्स लिखना है तो आप कार्ड्स यूज़ कर लीजिए। सो आई हैव रिटन हियर कार्ड्स सेमी कॉलन। ओके, सो नाउ आई एम पासिंग सम वर्ड्स। सो लाइक सिंपल इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग, देन सपोज इजी आई एम लर्निंग। सो गाइज आई हैव रिटन हेयर कार्ड्स के अंदर मैंने कुछ स्ट्रिंग या फिर कुछ कैरेक्टर्स लिए हैं। सो ये ए जो है उसके अंदर सिंपल आ जाएगा, बी जो है उसके अंदर ईजी आ जाएगा, जो सी वाला है उसके अंदर लर्निंग आ जाएगा। इन सारे वर्ड्स को हमने कॉन्कैटिनेट किया है यहाँ पर। सो नाउ रन इट, नाउ अप्लाई द प्रॉक प्रिंट फॉर प्रिंटिंग के लिए। सो प्रॉक प्रिंट डेटा इक्वल्स टू व्हाट इज योर डेटा सेट नेम दैट इज जॉइन। सो जॉइन ओवर हियर, नाउ अगेन रन इट। इफ यू रन दिस कोड देन सेलेक्ट ऑल दैट इज कंट्रोल प्लस ए एंड देन क्लिक ऑन बटन F3। नाउ लुक एट दिस द आउटपुट द गाइस दैट सिंपल कंटेन द ए बी सी एंड कॉन्कैटिनेशन फंक्शन वी हैव अप्लाई हियर बाय यूजिंग द सिंबल बार बार का जो आप सिंबल जो आप यूज़ कर रहे थे। सो ये तीनों वर्ड्स जो आपके कॉन्कैटिनेट हो गए, सिंपल इजी लर्निंग एंड सम सिंपल पॉइंट्स। सो ये हमने एक एग्जांपल लिया जस्ट। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ कॉन्कैटिनेशन, कि अगर आपको कुछ वर्ड्स कॉन्कैटिनेट करना है, आपस में जोड़ना है, आपको कुछ कुछ बड़ा वर्ड का एडिशन करना है, सो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज नाउ आई एम टेलिंग यू दैट कि कॉन्कैटिनेशन आपका सिंपल थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर कैट। कैट इज सिमिलर टू लाइक दिस वन जो मैंने अभी बताया, जस्ट सेम है कैट बी सी की तरह, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट इज योर कैट एस, कैट एस एंड थर्ड इज योर कैट एक्स। सो अब हम करने जा रहे हैं, एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट कैट जो है आपका बिल्कुल कॉन्कैटिनेशन की तरह सेम होता है, सो मैं वो नहीं करवाने जा रही हूँ यहाँ पर। सो
अगर आपको चाहिए सो आई विल मेंशन ऑल द फंक्शन इन वन प्रोग्राम, यानी कि मैं आपको कॉन कैटिनेट कैसे करते हैं, कैट का यूज़ कैसे करते हैं, कैट एस का यूज़ कैसे करते हैं एंड कैट एक्स का कैसे यूज़ करते हैं, वो हम एक ही प्रोग्राम में देख लेंगे. ओके, सो फॉर दैट नाउ आई एम मेकिंग वंस अगेन द अनदर प्रोग्राम. सो डेटा कीवर्ड आई एम यूजिंग हेयर एंड माई डेटा सेट नेम इज़ योर टैम्प सपोज. नेक्स्ट आई एम गिविंग सम इनपुट ओवर हेयर. सो इनपुट में मैंने ले लिया फर्स्ट नेम दैट इज़ एफ नेम. सो मुझे स्ट्रिंग में चाहिए, सो अगेन एफ नेम के आगे मैं डॉलर वर्ड साइन का यूज़ करूँगी. देन एल नेम अगेन डॉलर एंड सेमी कॉलन. नेक्स्ट आई एम यूजिंग कार्ड्स ओवर हेयर. सो सपोज माई नेम इज सीमा, सो आई हैव रिटन हेयर सीमा एज माई फर्स्ट नेम एंड रावत इन माई लास्ट नेम. सपोज आई एम टेकिंग अनदर एंट्री लाइक लाइक ओके लाइक सुनील आई एम लिविंग गिविंग हेयर एंड सपोज कास्ट इज योर वर्मा एंड अगेन शुभ आई एम गिविंग हेयर एंड सिंह इज आई एम टेकिंग हेयर. ओके सो आई हैव रिटन हेयर थ्री एंट्रीज. सो दिस इज योर फर्स्ट नेम दिस साइड एंड दिस इज योर लास्ट नेम. सो नाउ रन इट and proc print data equals to your data set name is your temp and then again run it. Okay, so now data temp 2 I am taking here and I am going to set the temp program here. Okay, तो जो मैंने टैम्प नाम का जो प्रोग्राम ये बनाया है जिसमें कि फर्स्ट नेम में मेरे ये वाले आ जाएंगे और लास्ट नेम में मेरे ये आ जाएंगे अगर इस कोड को मैं यहाँ पर रन करती हूँ. सो टैम्प टू में मैंने क्या किया, सेट किया टैम्प को भी. ठीक है, सो सेट टैम्प. ठीक है, अब मैंने इसी को यहाँ पर सेट कर लिया है. सो वट एवर आई विल टेक नाउ इट विल कैलकुलेट दिस पोर्शन. सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम में मैं जो भी करूँ यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन लगाऊँ कॉन कैट एक्स लगाऊँ कैट एस लगाऊँ सो वो किसको लेगा, टैम्प नाम की फाइल को उठाएगा यानी कि दिस वन. ठीक है, सो मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया सपोज नेम इक्वल्स टू मैं यहाँ पर कैट लगा रही हूँ एंड ब्रैकेट में मैंने ले लिया एफ नेम दैट इज योर फर्स्ट नेम. कैट आपका फंक्शन है. ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन द कैट बिफोर बिफोर ब्रैकेट्स. ओके, सो एल नेम दैट इज योर लास्ट नेम एंड लास्ट वन में एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट यूज सेमी कोलन ओवर हियर. नेक्स्ट आई एम टेकिंग द नेम टू इक्वल्स टू आई एम गोइंग टू कैट एस. Now you will see the difference between these function when I give the output. So L name is your last name and end of the statement use semicolon. Next name 3 I am taking as a variable over here and I am using the catx. And using the catx means I am declaring here one delimiter and then F name. And then I'll name. So at the end of the statement again semicolon and I'm going to run this code and proc print again. Proc print data okay, data that is your data set name is your now data set name is your temp 2. Okay, so don't get confused between the temp or temp 2. You have just set the temp here, this code here, but your data set name is right now is temp 2. Okay, so again semicolon and again run this code. So let's see what's happen if I run the code this only. So temp, just select this code and F3.
ओके सो नाउ यू कैन सी द आउटपुट गाइस. जब हमने सेलेक्ट ऑल किया सो हमारा जो पहला वाला कोड था उसमें क्या था, सिर्फ मैंने टेम्प एफ नेम और लास्ट नेम, तो सिर्फ मैं इतना पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करती हूँ, तो मेरे पास एफ नेम में सीमा सुनील शुभ आना चाहिए, लास्ट नेम में रावत शर्मा और सिंह आना चाहिए, राइट. सो अब मैंने टेम्प टू में क्या किया, जस्ट सेट किया टेम्प को, और इसमें मैंने फंक्शन अप्लाई किया कि कैट का क्या होगा अगर मैं एफ नेम और एल नेम लेती हूँ, कैट एक्स में अगर अप्लाई करती हूँ फंक्शन तो कॉन्कैटिनेशन कैसा होगा, और कैट एक्स लगाती हूँ तो कैसा होगा. सो फाइनली वी गेट द आउटपुट दैट इन द रिजल्ट विंडो एफ नेम इज योर सीमा एंड लास्ट नेम इज योर रावत. सो सबसे पहले हमने क्या लगाया था, कोड में जाकर चेक करो नेम, जो नेम वाला वेरिएबल था इसमें हमने लगाया था कैट. सो आउटपुट हमारे पास क्या आया जब हमने कैट लगाया, सो इसका आउटपुट आया सीमा रावत. इसमें गाइस आपको दिख रहा है कि यहाँ पर स्पेस है, ठीक है. सो व्हेन यू अप्लाई द ओनली कैट सीएटी कैट फंक्शन, सो इट विल गिव यू द स्पेस ओवर हेयर बिटवीन द फर्स्ट नेम एंड योर लास्ट नेम, ओके. एंड इफ यू अप्लाई द कैट एस फंक्शन, सो वट यू विल गेट दैट इट विल नॉट प्रोवाइड एनी स्पेस बिटवीन द सीमा एंड रावत, दैट मीन्स इट विल नॉट प्रोवाइड एनी स्पेस बिटवीन योर फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम, ओके, इफ यू अप्लाई द कैट एस, ओके. एंड इफ यू गोइंग टू अप्लाई कैट एक्स फंक्शन एंड यू आर पासिंग द डेलीमीटर ओवर हेयर, दैट मीन्स अगर आपने यहाँ पर कोई भी डेलीमीटर लगाया है, जैसे कि आपने यहाँ पर मैंने ये वाला लगाया है, इसमें अगर मैं कॉमा यहाँ पे यूज़ करती हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो सीमा और रावत यानी कि जो नेम है उसके बीच में मुझे क्या मिलेगा, कॉमा मिलेगा, ओके. सो इफ यू गेट दिस, लुक एट दिस वन, सीमा कॉमा रावत, सुनील कॉमा वर्मा, शुभ कॉमा से, ठीक है. सो ये आपका यूज होता है कैटेक्स में. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू, अगर अगर आपने यहाँ पर डेलीमीटर पास नहीं किया, सपोज चलो ये भी चेक कर लेते हैं, आप मैंने डेलीमीटर पास नहीं किया तो अब क्या होगा, ओके. जस्ट नाउ नाउ प्रिंट दिस कोड. सो ओके यू विल गेट ओनली द एल नेम, दैट इज योर लास्ट नेम, यू विल नॉट गेट योर फर्स्ट नेम बिकॉज इट इज नेसेसरी इन कैटेक्स टू पास एनी डेलिमीटर, वेदर इट इज स्पेस यू कैन गिव एंड वेदर यू कैन गिव एनी अदर डेलीमीटर, कॉमा, सेमी कॉलन, एनी थिंग, ओके. सो नाउ रन दिस कोड, इफ यू प्रोवाइड द स्पेस ओवर हियर, सो स्पेस इट विल टेक एज योर डेलीमीटर, सो सीमा रावत के बीच में क्या जाएगा, स्पेस आ जाएगा, ठीक है. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द कैट एक्स कैट एंड कैट फंक्शन, ठीक है गाइस. स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था दैट कैट फंक्शन एंड द कॉनकैटिनेशन, एज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दैट दिस प्रोग्राम बोथ आर सेम, बोथ आर डूइंग सेम फंक्शंस. अगर आप कैट का यूज़ करते हो सिंपल या फिर इस कोड का यूज़ करते हो, दोनों ही सेम फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. क्योंकि इस कोड को सिर्फ मैं रन करती हूँ, तो ये क्या कर रहे हैं, ये वर्ड्स को कंबाइन कर रहे हैं, स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि हम कैट फंक्शन में देख रहे थे, ठीक है. कैट में भी तो यही कर रहा है ना, कैट में क्या कर रहा है, अगर हम सिर्फ इतना कोड रन करते हैं, सो कैट कंटेन दैट स्पेस, ठीक है. सो बोथ आर सेम, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कैट एंड द कॉनकैटिनेशन सिंबल, सो बोथ आर वर्किंग सेम, बट कैट एस एंड कैट एक्स इज डिफरेंट, ओके. बाय यूजिंग द कैट एक्स यू हैव टू मेंशन द डेलिमीटर ओवर हियर, आइदर यू कैन टेक स्पेस, कॉमा एंड सेमी कॉलन, एनीथिंग एल्स, सो अकॉर्डिंग टू योर नीड. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्कैटिनेशन फंक्शन ओवर हियर. सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज. अगर आपको लेटेस्ट वीडियोज चाहिए या लेटेस्ट कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग सेल्स और एनी अदर टॉपिक, सो यू कैन कमेंट बिलो और रेड बटन सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. थैंक यू.